नायक की कर्म भूमि पर मैं प्रधानमंत्री जी आदरणीय मोदी जी का स्वागत करती हूँ, वंदन करती हूँ। सतपुड़ा और विंध्याचल में बसे हुए निमाड़ और मालवा की समस्त जनता की ओर से मंचासीन उपस्थित सभी हमारे अतिथिगण और मेरे समक्ष उपस्थित हमारा भाई सियो और बहन सिया तोमु काजे दोई हाथ जोड़ी ने राम राम। मैं आज सभी की तरफ से माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करती हूँ। हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि दीपावली के त्योहार के उपलक्ष में माननीय प्रधानमंत्री जी हम सभी के बीच में उपस्थित है और जिस प्रकार दिए को जलाकर हम रोशनी कर, मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को आमंत्रित करती हूँ, हम सबको संबोधित करें। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, नर्मदा माता की, हर हर नर्मदे। माँ बिजासन देवी की जय। नागलवाड़ी के भिलड़ देव बाबा की, 52 गजा प्रसिद्ध जैन देव स्थान को भी मैं श्रद्धा पूर्वक प्रणाम करता हूं। मारा गांव गांव से, पहाड़ जंगल से आयरिया आखा आदिवासी भाईसो एने बेनसो काजे राम राम आने जिंदाबाद। साथियों, आज बड़वानी आया हूं तो मैं सबसे पहले मध्य प्रदेश भाजपा को बधाई देना चाहता हूं। एमपी भाजपा ने जो संकल्प पत्र जारी किया है वो मध्य प्रदेश को नई ऊंचाई पर ले जाने वाला है। बीजेपी का संकल्प पत्र मध्य प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने वाला है। आप सबसे मेरी प्रार्थना है, इतनी बड़ी तादाद में आपका यहां आना, मेरे आदिवासी भाई बहनों का आना और उनका आशीर्वाद पाना, इससे बड़ा कोई सौभाग्य नहीं होता है। लेकिन मेरी नौजवानों से प्रार्थना है, आप जहां है वहीं रहिए, कोई जगह ही नहीं, कहां जाओगे? आप आगे आने की कोशिश मत करो भाई। अरे आपको सुनना है, ये मीडिया के लोगों को उनका काम करने दीजिए, उनको आप बिठाने के चक्कर में मत पड़िए। मीडिया वाले वो अपनी दुनिया में मस्त रहते हैं, उनको रहने दीजिए। अब ये मोबाइल वाले मीडिया वाले नीचे आओगे तो अच्छा रहेगा, आप नीचे आइए दोनों महापुरुष। धन्यवाद। यहां मीडिया के लोग बहुत अच्छे हैं, वरना कोई मानता ही नहीं, आप लोग तो मानते हैं। भाई उधर वो कैमरा जब आता है तो आपको उछलने की जरूरत नहीं है, वो पीछे देख रहा है, आपकी तरफ नहीं देख रहा है। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। तो मैं आप सबको बता रहा था कि बीजेपी का संकल्प पत्र युवाओं महिलाओं को और सशक्त बनाने वाला है। बीजेपी का संकल्प पत्र आदिवासियों पिछड़ों दलितों गरीबों को नया संबल देने वाला है।
बीजेपी का संकल्प पत्र मेरे परिवार के आप सभी लोगों को मजबूत जिंदगी देने वाला है और ये भाजपा का ट्रैक रिकॉर्ड है कि भाजपा जो कहती है वो करके दिखाती है। आपसे किए हर वायदे, ये मेरे शब्द लिख लीजिए, आपसे किए हर वायदे पूरे होंगे ये मोदी की गारंटी है। साथियों, आज से दो दिन बाद यानी 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा का जन्मदिवस है। ये भाजपा सरकार का गौरव है कि इस पुण्य दिन को हमें जनजातीय गौरव दिवस के रूप में घोषित करने का अवसर मिला है। सैकड़ों वर्षों से हमारे आदिवासी समाज ने भारत को कैसे सशक्त बनाया, भारत की संस्कृति को कैसे संरक्षित और समृद्ध किया, आजादी के आंदोलन में आदिवासी वीर वीरांगनाओं और सेनानियों का कितना बड़ा योगदान रहा। जनजातीय गौरव दिवस इसे याद करने का बहुत बड़ा दिन बन चुका है। जिस आदिवासी समाज को कांग्रेस ने हमेशा नजरअंदाज किया, जिस आदिवासी समाज की कांग्रेस ने कभी परवाह नहीं की, उस आदिवासी समाज का गौरव बढ़ाने का, सामाजिक न्याय दिलाने का काम भाजपा ने किया है। और ये मेरा एक और सौभाग्य है कि परसों मैं झारखंड में भगवान बिरसा मुंडा के गांव जा रहा हूं। वहां से पूरे देश के आदिवासी समाज के लिए बहुत बड़ी योजना की शुरुआत होने वाली है। भारत के इतिहास में आदिवासी योगदान को बड़वानी से बेहतर, मालवा निमाड़ से बेहतर और कौन जान सकता है। ये भूमि जनजातीय महापुरुष भीमा नायक, खज्जा नायक और टंटिया मामा की प्रेरणा स्थली है। मैं इस पवित्र भूमि को नमन करता हूं। आप सभी को भी इतनी तादाद में आशीर्वाद देने आए हैं, मैं सर झुकाकर आपका भी प्रणाम करता हूं। मेरे परिवारजनों, मध्य प्रदेश के ये चुनाव सिर्फ भाजपा और कांग्रेस के बीच के नहीं है, ये चुनाव मध्य प्रदेश के उज्जवल भविष्य को तय करने वाले चुनाव है। कांग्रेस के नेता है जो एमपी को अंधेरे कुएं में धकेलने के जिम्मेदार है।
वहीं दूसरी तरफ भाजपा है जो एमपी को अंधकार से बाहर निकाल कर लाई है। एक तरफ कांग्रेस है जो सिर्फ और सिर्फ अपनी खाली तिजोरी भरने के लिए मध्य प्रदेश में अपना कब्जा जमाना चाहती है। आप छत्तीसगढ़ और राजस्थान में देखिए कैसे कांग्रेस की काली कमाई से कमाए गए नोटों को ढेर हर दिन निकल रहे हैं। देखते हैं ना टीवी में नोटों के ढेर, ये क्या मेहनत की कमाई है क्या? ये ईमान की कमाई है क्या? गद्दे के नीचे छिपाना क्यों पड़ता है भाई? ये चोरी का माल है कि नहीं है? ये मोदी उसको पकड़ता है, सही करता है गलत करता है? पकड़ना चाहिए नहीं पकड़ना चाहिए? और इसीलिए आप इतना प्यार करते हैं और वो उतनी गाली देते हैं। लेकिन वो कितनी ही गालियां दे दे, आपका प्यार उनकी गालियों को भी चूर चूर कर देता है। एक तरफ कांग्रेस का ये चरित्र, दूसरी तरफ भाजपा है जो सेवा के संकल्प को, राष्ट्र प्रथम के अपने मिशन को आगे बढ़ाना चाहती है। देखिए हमारी प्राथमिकता देखिए, इतना बड़ा चुनाव चल रहा है, अनेक जगह पर मुझे जाना है, लेकिन कल दिवाली मनाने के लिए मैं कहां चला गया? सीमा पर देश के जवानों के पास। इतनी बड़ी चुनाव के आखिरी दिन है, लेकिन दो दिन के बाद कहां जा रहा हूं? झारखंड में भगवान बिरसा मुंडा के गांव में मत्था टेकने के लिए जा रहा हूं। यह हमारी प्राथमिकता है। देखिए आज आप देख रहे हैं, आज भारत को विश्व पटल पर नई बुलंदी मिली है। आज दुनिया में भारत का जय जयकार है कि नहीं है? आज चारों तरफ भारत की वाहवाही है कि नहीं है? अमेरिका में भी भारत की वाहवाही हो रही है कि नहीं हो रही है? जर्मनी में भी हो रही है कि नहीं हो रही है? कनाडा में भी हो रही है कि नहीं हो रही है? कहीं पर भी जाइए, आज हिंदुस्तान का जय जयकार हो रहा है कि नहीं हो रहा है? किसके कारण? किसके कारण ये जय जयकार किसके कारण हो रहा है? ये मोदी के कारण नहीं हो रहा है, ये आपके एक वोट के कारण हो रहा है। आपने वोट देकर मोदी को मजबूत बनाया, देश की सरकार मजबूत बनाई, और जब मोदी दुनिया के किसी बड़े बड़े दिग्गज को मिलता है ना, यू हाथ मिलाता है ना, तो मोदी अकेला नहीं होता है, 140 करोड़ देश मेरे साथ खड़े होते हैं। 140 करोड़ देशवासी मेरे साथ खड़े होते हैं, और तब जाकर के दुनिया में जय जयकार होता है। हमारा मध्य प्रदेश का भी जय जयकार होना चाहिए नहीं होना चाहिए? पूरे हिंदुस्तान में मध्य प्रदेश का जय जयकार होना चाहिए नहीं होना चाहिए? पूरे हिंदुस्तान में मध्य प्रदेश का माथा ऊंचा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आपका वोट ये कर सकता है। करोगे? करोगे? आप मुझे मजबूत बना दीजिए, मध्य प्रदेश मजबूत बन जाएगा।
भारतीय जनता पार्टी भारत को विकसित बनाने के संकल्प के साथ निकली है और विकसित भारत का यह संकल्प एमपी के विकसित भविष्य से ही जुड़ा है। इसलिए आज पूरा मध्य प्रदेश एक स्वर में कह रहा है, गांव गांव से एक ही स्वर है, फिर एक बार भाजपा सरकार, फिर एक बार। मेरे परिवारजनों, आजकल एमपी में एक और नारा गूंज रहा है और ये नारा लोगों से दिलों से निकला है, दशकों से अनुभव से निकला है, आंखों से जो देखा है उससे ये नारा निकला है। और क्या नारा चल रहा है सुन लीजिए, ये नारा ये चल रहा है, कांग्रेस आई तबाही लाई, कांग्रेस आई। और मध्य प्रदेश ने तो इसको भुगता है। बीते वर्षों के अनुभव कहते हैं, जहां जहां से कांग्रेस साफ हुई है वहां खुशहाली आई है, और जहां जहां कांग्रेस की फिर सरकार बनी है वहां समृद्ध से समृद्ध राज्य भी संकटों में गिर गए हैं। कांग्रेस ने हिमाचल के किसानों को, वहां की माताओं बहनों को, वहां के कर्मचारियों को चांद तारे तोड़कर लाने का वादा किया था। वहां कांग्रेस सरकार बनी, ऐसे झूठे लॉलीपॉप पकड़ा पकड़ा करके खेल तो कर लिया, और आज स्थिति ये है कि वहां पेट्रोल डीजल महंगा कर दिया, किसानों के अपनी सेब की उपज पानी में बहानी पड़ी। और लगा लो सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी, सुनो गौर से दुनिया वालों। कांग्रेस ने वहां कर्मचारियों और युवाओं के लिए बड़े बड़े वादे किए थे, कर्मचारियों को भी वहां कांग्रेस ने सिर्फ धोखा ही दिया, धोखा। साथियों, यही स्थिति देश के समृद्ध राज्यों जैसे कर्नाटका को भी करके रखी हुई है। कांग्रेस सरकार बनते ही उन्होंने रातों रात बिजली महंगी कर दी, बच्चों को जो दूध मिलता था वो दूध महंगा कर दिया। इससे सामान्य परिवार, किसान और छोटे बड़े सब परेशान है परेशान। कर्नाटका में विकास ठप हो गया है, ऐसी बर्बादी अगर समृद्ध कर्नाटका में कांग्रेस ला सकती है तो सोचिए ये हमारे मध्य प्रदेश का हाल क्या करेंगे। अभी तो जैसे तैसे कुर्सी पाने के लिए कांग्रेस मध्य प्रदेश के लोगों को सोने का महल बनाने का भी वादा कर सकती है। अब ये सोना कौन सा लाएंगे, आलू वाला? कोई भरोसा नहीं। सोने का महल देंगे और फिर कहेंगे आलू से सोना निकालूंगा तब बनाऊंगा। लेकिन सत्ता मिलते ही कांग्रेस आपको भूलकर लूट का कारोबार शुरू कर देगी। इसलिए मध्य प्रदेश के लोगों को
नौजवानों को पहली बार वोट डालने जा रहे युवाओं को बहुत सतर्क रहने की जरूरत है। मेरे परिवारजनों, कांग्रेस की एक और पहचान है जो यहां के युवाओं को समझना बहुत जरूरी है। जहां जहां कांग्रेस आती है वहां अपराध चरम पर पहुंच जाते हैं। कांग्रेस सरकार में दंगे फसाद आम हो जाते हैं। कांग्रेस सरकार में बहनों बेटियों के साथ अत्याचार चरम पर पहुंच जाता है। लोगों के लिए अपने तीज त्योहार मनाना तक मुश्किल हो जाता है। आप पड़ोस में राजस्थान में देखिए, बीते 5 वर्षों में क्या क्या नहीं हुआ। क्या हम कल्पना भी कर सकते थे कि भारत में हम कभी सर तन से जुदा ऐसे नारे सुनेंगे। लेकिन कांग्रेस के कुशासन में, वीर धरा राजस्थान में कैमरा के सामने हुआ। मेरे परिवारजनों, हमें राजस्थान तो बचाना ही बचाना है, लेकिन मध्य प्रदेश को किसी भी हालत में ये बर्बादी की तरफ जाने नहीं देना है। कांग्रेस की बातों और कांग्रेस के वादों पर आज देश बिल्कुल भरोसा नहीं कर रहा है। इसका कारण है इनका ट्रैक रिकॉर्ड। कांग्रेस ने 60 साल तक पंचायत से लेकर के पार्लियामेंट तक उन्हीं की सरकार चलती थी, उन्हीं का झंडा था। लेकिन इस दौरान कांग्रेस ने आदिवासियों का न विकास दिया और न ही मान सम्मान दिया। जब केंद्र में भाजपा की सरकार बनी तो पहली बार मेरे आदिवासी भाई बहनों को वो सम्मान मिलना शुरू हुआ जिसके वो हकदार है। आप मुझे बताइए भाई, क्या ये आदिवासी समाज मोदी प्रधानमंत्री बना उसके बाद पैदा हुआ है क्या? जरा जवाब दो। क्या मोदी आया उसके बाद आदिवासी समाज पैदा हुआ है क्या? क्या आदिवासी समाज देश आजाद हुआ तब थाक नहीं था? जरा सब मिलकर जवाब दीजिए। आदिवासी समाज जब देश आजाद हुआ तब थाक नहीं था? आदिवासी समाज जब भगवान रामचंद्र थे तब थाक नहीं था? लेकिन कांग्रेस वालों को पता ही नहीं था। जो आपको पता है वो कांग्रेस वालों को नहीं था। आप कल्पना कीजिए, आजादी के बाद देश में आदिवासी समाज के लिए अलग मंत्रालय ही नहीं था, अलग बजट नहीं था, अलग व्यवस्था नहीं थी। सालों साल कितने ही प्रधानमंत्री आके गए, बस चलता रहा। ये अटल बिहारी वाजपेयी जी जब आए, उनकी सरकार बनी, तब देश में पहली बार आदिवासी समाज के कल्याण के लिए अलग मंत्रालय बनाया, अलग बजट दिया। क्या ऐसी कांग्रेस को माफ कर सकते हो क्या? ऐसी कांग्रेस को माफ कर सकते हो क्या? सड़क, बिजली, पानी, ये सब सुविधाएं आदिवासी गांवों में अब भाजपा सरकार पहुंचा रही है। कांग्रेस जब सत्ता में थी तब आदिवासी मंत्रालय का बजट बहुत ही कम था। आज आदिवासी विकास के लिए भाजपा सरकार का बजट
मेरे पहले 10 साल वो थे ना, उनकी रिमोट सरकार चलती थी, याद है ना। उस समय बजट बहुत कम था, लगभग 1.25 लाख करोड़ रुपए का आज बजट है। हमने एकलव्य मॉडल स्कूलों की संख्या में 5 गुना से अधिक बढ़ाई है। हमने लाखों आदिवासी छात्रों को मिलने वाली स्कॉलरशिप में भी बड़ी वृद्धि की है। साथियों, भाजपा के डबल इंजन सरकार से एमपी के आदिवासी परिवारों को डबल लाभ हुआ है। देश भर में हमने अपने सेवाकाल में आदिवासी परिवारों को 8 लाख से अधिक पट्टे दिए। यहां भी हजारों परिवारों को पट्टे मिले हैं। यहां पेशा का लाभ भी लाखों लोगों को मिला है। साथियों, देश में कांग्रेस की सरकार जब थी तो भूख से मौतों की खबरें सबसे अधिक आदिवासी क्षेत्रों से ही आती थी। मैंने तय किया कि आदिवासी परिवारों की चिंता हमेशा हमेशा के लिए दूर हो, और इसलिए मैंने जब कोरोना का कठिन काल था, चारों तरफ मौत मंडरा रहा था, तब मैंने तय किया था किसी गरीब के घर का चूल्हा बुझने नहीं दूंगा, किसी बच्चे को भूखा सोने नहीं दूंगा, किसी माँ को आंसू बहाने पड़े ऐसी नौबत नहीं आने दूंगा, और इसलिए मैंने मुफ्त राशन की योजना शुरू की। मुफ्त राशन मिले, आप भी यहां से बहुत लोग होंगे जिनको आज भी मुफ्त राशन मिलता होगा। अब ये 30 दिसंबर को समाप्त हो रहा है, लेकिन मेरी आत्मा कहती है ये तो पुण्य का काम है, इसको बंद नहीं कर सकते हैं। और इसलिए आप मुझे बताइए, ये गरीब को हम कभी खाना खिलाएं तो पुण्य का काम मानते हैं कि नहीं मानते हैं? मानते हैं कि नहीं मानते हैं? गरीब की सेवा करने से पुण्य मिलता है, ऐसा मानते हैं कि नहीं मानते हैं? आज पिछले 3 साल से गरीब को मुफ्त में अनाज मिलता है, तो उसका पुण्य मिलेगा कि नहीं मिलेगा? जरा सब बताइए, पुण्य मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अब मुझे बताइए, पुण्य किसको मिलेगा? किसको मिलेगा? किसको मिलेगा? किसको मिलेगा? अरे ये पुण्य आपको मिलेगा, क्योंकि आपने एक वोट मोदी को दिया, उसके कारण मोदी ये गरीबों की सेवा करता है। ये पुण्य के हकदार आप हैं, और इसलिए आगे भी पुण्य मिलता रहे, इसलिए मोदी का निश्चय है, मोदी का संकल्प है कि दिसंबर में योजना बंद नहीं करूंगा, 5 साल और बढ़ा दूंगा। यहां एमपी की भाजपा सरकार राशन आपके ग्राम योजना के तहत गांव गांव राशन पहुंचाने में जुटी है। यहां भाजपा सरकार सैकड़ों आदिवासी युवाओं को हर वर्ष प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ट्रेनिंग देती है। आपने पीएम विश्वकर्मा योजना के बारे में भी जरूर सुना होगा। जो साथी हाथ के शिल्प से जुड़े हैं, राजमिस्त्री हैं, बढ़ई हैं, खिलौने बनाते हैं, टोकरियां बनाते हैं, कपड़े सिलते हैं, कपड़े धोते हैं, ऐसे हर साथी के लिए 13,000 करोड़ रुपए की योजना हमारी सरकार ने बनाई है। साथियों, कांग्रेस सरकार जब थी तब आदिवासी बच्चों का टीकाकरण भी बहुत कम होता था। आज मिशन इंद्रधनुष के तहत टीकाकरण का दायरा बहुत अधिक बढ़ा है। आज पीएम मातृवंदना योजना के माध्यम से गर्भवती बेटियों के लिए सीधे उनके बैंक खाते में पैसा भेजा जाता है। शिवराज जी की सरकार भी लाडली बहन और लाडली लक्ष्मी योजना के तहत एमपी की लाखों बहनों को मदद दे रहे हैं। आदिवासी परिवार की बहनों को भी विशेष सहायता दी जाती है। ये भी भाजपा सरकार ही है जिसने पहली बार सिकल सेल बीमारी दूर करने के लिए राष्ट्रीय अभियान शुरू किया है। मेरे परिवारजनों, कांग्रेस तो सिर्फ 7-8 वन उपजों पर ही समर्थन मूल्य देती थी।
आज भाजपा सरकार 90 से अधिक वन उपजों पर एमएसपी देती है। ये भाजपा सरकार है जो वन धन योजना लेकर आई है। आज एमपी की हजारों आदिवासी बहनें इस योजना की मदद से अपनी आय बढ़ा रही है। साथियों, कांग्रेस ने हमेशा किसानों के नाम पर सिर्फ अपने लोगों की तिजोरी भरी है। भाजपा ने कपास हो, गेहूं हो, सोयाबीन हो, ऐसी फसलों का एमएसपी भी लागत का दोगुना दिया है। अब भाजपा सरकार मक्का सहित आपके मोटे अनाज को बढ़ावा दे रही है। अब मोटे अनाज को श्री अन्न के नाम से दुनिया भर में बाजारों में पहुंचाने वाले हैं। यहां का अदरक आज वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना के तहत देश भर में पहुंच रहा है। बड़वानी के मिर्च किसानों को भी सही दाम और सही सम्मान भाजपा ही दे सकती है। मेरे परिवारजनों, आजादी से पहले बड़वानी को निमाड़ का पेरिस कहा जाता था। भाजपा सरकार अब इस क्षेत्र में कनेक्टिविटी को और बढ़ाने के लिए तेजी से काम कर रही है। अगर यहां गलती से भी रोड़े अटकाने वाली कांग्रेस को मौका मिला तो ये मुझे, जो दिल्ली से मैं मध्य प्रदेश के लिए काम करना चाहता हूं, वो यहां पर वो सारे रोड ब्लॉक कर देंगे, करने ही नहीं देंगे। मैं भी आपकी सेवा नहीं कर पाऊंगा, इसलिए ऐसे लोगों को बीच में मत आने देना। मेरे परिवारजनों, चुनाव का दिन अब ज्यादा दूर नहीं है। मैं जानता हूं कि मध्य प्रदेश भाजपा का हर कार्यकर्ता अपने अपने बूथ पर बहुत परिश्रम कर रहा है। भाजपा के हर कार्यकर्ता वो मेरी ताकत है और मेरा सौभाग्य है कि मुझे किसी समय मध्य प्रदेश में संगठन का काम मिला था। कई वर्षों तक मैं आपके सभी पूरे क्षेत्र में दौरा करता था। शायद ही कोई तहसील होगा कि जहां मैं गया नहीं हूं। तो मैं मध्य प्रदेश को भली भांति परिचित हूं, जानता हूं, और मैं यहां के कार्यकर्ताओं की ताकत को भी जानता हूं, यहां के संगठन की शक्ति को भी जानता हूं। कि कुशाभाऊ ठाकरे जैसे लोगों की तपस्या का परिणाम यहां पर है, और इसलिए मुझे पूरा भरोसा है कि आप मेहनत में कोई कमी नहीं करोगे। लेकिन इस बार मैं कहना चाहता हूं, मेरी बहनें भी हर बूथ में भाजपा के कार्यकर्ता के रूप में जब काम कर रही, तो मुझे और गर्व होता है। बहनें जिस प्रकार से मैदान में उतरी है, बहनें जिस प्रकार से मेहनत कर रही है, वो हिंदुस्तान की और हर पॉलिटिकल पार्टियों की ईर्ष्या आ रही है, और इसलिए कांग्रेस की तो नींद ही उड़ गई है। और बहनों को देखकर ये डर जाते हैं, उनको तो लगता है मोदी की फौज आ गई। कांग्रेस ने खुद को भाग्य के भरोसे छोड़ दिया है, लेकिन आपको पूरी मेहनत करनी है। भले कांग्रेस दिखे या न दिखे, हमें तो घर घर जाना अपना कर्तव्य है, हर बूथ में कमल खिलाना अपना जिम्मेवारी है। करोगे? घर घर जाओगे? हर बूथ से कमल निकलेगा? सिर्फ और सिर्फ कमल जीतेगा? एक भी बूथ हार रही है नहीं, पक्का करेंगे? मां का नर्मदा के किनारे पर बैठे हैं, करोगे ना? पक्का करोगे? अच्छा, एक मेरा काम करना है, करोगे? क्यों भाई, आवाज दब गई? मेरा काम करोगे? ये चुनाव वाला काम नहीं है, मेरा निजी काम है, और आप सबकी मदद मिलेगी तभी पूरा होगा। करोगे? सच्चे मन से करोगे? जी जान के करोगे? पूरी मेहनत करोगे?
ये चुनाव का काम नहीं है तो भी करोगे, मोदी के लिए करोगे। अच्छा तो देखिए काम मैं बताता हूं, बताओ जरा हाथ ऊपर करके बताओ, बताओ करेंगे ना। जरा आपका मोबाइल फोन की लाइट चालू करो, मैं देखूं कितने लोग कहते करेंगे। जरा मुझे बताइए, आपके मोबाइल फोन की फ्लैश लाइट चालू कीजिए, चालू रखिए सब लोग, चालू रखिए, मुझे बताइए आप लोग करेंगे, आप लोग करेंगे। अच्छा मेरी बात सुन लीजिए बराबर, शाबाश, दूर दूर तक लोग दिखाई दे रहे हैं। देखिए काम क्या करना है मैं बताता हूं, घर घर जाना है जाओगे, घर घर जाना है जाओगे, और जाकर के कहना अपने मोदी जी बड़वानी आए थे और मोदी जी ने आपको प्रणाम भेजा है। इतनी मेरी बात पहुंचा देंगे, ये सबको बता देंगे। देखिए आप जब मेरा प्रणाम पहुंचा देंगे ना तो हर कोई मुझे आशीर्वाद देगा, और जब हर परिवार से मुझे आशीर्वाद मिलेगा तो मेरी ताकत बढ़ जाएगी, मेरा काम करने का हौसला मजबूत हो जाएगा, जी जान से जुटने की ताकत आ जाएगी। और ये आपने दिया जला करके आशीर्वाद दिए, मेरे साथ बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।